हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ बस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट या फिर इनको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। Trial this week, it will be over. Next lecture में हो जाएगा फिर।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करेंगे तो पहले इसमें हम लेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस के थ्रू। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो ऑब्वियसली कितना अमाउंट हम डिजॉल्व कर रहे हैं ओके सॉल्यूशन में, जिससे कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolved in the given amount of solution to form a saturated solution is called solubility of a substance. तो इसे हम क्या बोलेंगे, solubility बोलेंगे। यूनिट जो है इसकी मेनली अपने पास रहेगी मोलरिटी। यूनिट इसकी क्या रहेगी, मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी मेनली यही रहेगी। इसके अलावा दूसरी यूनिट भी आ सकती है, दूसरी यूनिट हो सकती है ग्राम पर लीटर, ठीक है, बट मेनली कौन सी होगी, मोल पर लीटर ही होगी। तो दोनों में रिलेशन है, देखो मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी और ग्राम पर लीटर सॉल्युबिलिटी में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो अगर हमें मोल पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी पता है तो उससे ग्राम पर लीटर वाली आ सकती है सॉल्युबिलिटी। ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मोलार, ठीक है। मोल पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी को हम मोलार मास से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ग्राम पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी आ जाए, ठीक है। मोलार मास किसका, ऑब्वियसली उसी सब्सटेंस का जिसके हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके। तो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होगा कि कितना अमाउंट हम ऑब्वियसली डिजॉल्व कर पा रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, जिससे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। यस दिस इज फर्स्ट पेज। हो गया सबका, ओके। सो दिस वाज सॉल्युबिलिटी। नाउ इसके अलावा हमारे पास यहां पर होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो solubility product KSP से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयनिक सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके लिए, आयनिक सॉल्युबिलिटी के लिए। जैसे मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लो कोई एक सॉल्ट है, मान लो सॉल्ट है ए बी, ओके ए बी सॉल्ट। तो ए बी सॉल्ट जो है वो आयोनाइज हुआ ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, हाँ। तो जैसे ए भी हमारे पास कोई सॉलिड है, वो आयनाइज हुआ, हमने उसको ऑब्वियसली किसी सॉल्यूशन में मतलब वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व किया तो उसके आयन्स बने ए पॉजिटिव एक्वस एंड बी नेगेटिव एक्वस, ठीक है। नाउ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, विद ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए बी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ए बी क्या है, ए बी तो सॉलिड है ना, सॉलिड को हम लिखते ही नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है, और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, याद है सॉलिड एंड लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है ना, ओके। सॉलिड एंड लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम इंटू ए बी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आ गया ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ओके। नाउ ये वाला पार्ट जो है एक नया कॉन्स्टेंट है, ओके, के इक्विलिब्रियम भी कॉन्स्टेंट, ए बी कॉन्सेंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट, तो ये नया कॉन्स्टेंट आ गया, तो ये नया कॉन्स्टेंट क्या हो गया, ये हो गया के एफ, ओके। सो के एफ पी ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो के एफ पी का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन, ओके, सॉलिड हमारे पास सॉल्ट है कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले, क्लियर है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगा, के एस पी आ जाएगा, रचित दिस इज सेकंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड इधर है, देखो ये फर्स्ट स्लाइड, ये सर रिया हम सॉलिड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते, तो वही तो हमने यहाँ पर किया ना, कहाँ लिखा हमने, वो तो मतलब हम जस्ट यहाँ पर बता रहे थे कि क्यों नहीं लिखते, देखो नहीं लिखा ना इधर सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्स्टेंट रहता है ना, तो वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ एक नया कॉन्स्टेंट बना लेता है, तो यहाँ पर भी वही हुआ है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ नया कॉन्स्टेंट बना लिया,
चला गए। यह शुद्ध सॉलिड और लिक्विड का हम एक्टिव मास वन लेते थे, उसका रीजन यही होता था कि उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर एक नया कॉन्स्टेंट बना लेता है, और इसलिए हम उसको एक्सप्रेशन में लिखते ही नहीं, एक्सप्रेशन नहीं लिखते, मतलब उनका क्या लेते हैं, वन लेते। मंदार दिस सेकेंड पेज, फर्स्ट पेज ही है। ठीक है, सो सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो देखो सॉलिबिलिटी जो है वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग हो सकता है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफरेंट in different solutions, ठीक है, मतलब solubility change हो सकता है, but solubility product of a substance will be constant एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि वो क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ना, और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ओके, तो बट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सब्सटेंस विल बी कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि के एस पी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, के एस पी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, तो सॉल्युबिलिटी मतलब एस चेंज हो सकता है बट के एस पी चेंज नहीं होता, के एस पी सेम ही रहेगा हर सॉल्यूशन।
हो गया सबका। नाउ अब देखो हम यहाँ पर आपस में रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन है। तो जैसे हमारे पास है AgCl है मान लो, तो AgCl सॉलिड गिव्स Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो अगर इसका AgCl का सॉलिबिलिटी मान लो कैपिटल S है, ठीक है, ये S फॉर सॉलिड है, बट हम बात करें इसका सॉलिबिलिटी अगर S कैपिटल S है तो Ag पॉजिटिव जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन S आया और Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन S आया, ठीक है। तो व्हाट इज KSP, तो KSP ऑफ AgCl होगा Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, मैंने जैसा बताया आयन साइड लिखेंगे, इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ये हमारे पास होगा KSP। नाउ क्या हो जाएगा फिर ये, तो KSP इज इक्वल टू S इंटू S, हम बोल सकते हैं S स्क्वायर, ओके। तो AgCl के KSP और सॉलिबिलिटी में रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर मान लो हम बात करते हैं यहाँ पर PbCl2 की, मान लो हम बात करते हैं PbCl2 सॉलिड, तो PbCl2 सॉलिड गिव्स Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है, ये हम वाटर में सॉलिबिलिटी देख रहे हैं। तो KSP क्या होगा इसका, इट इज Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ओके। नाउ व्हाट इज Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले उसका लिख लेते हैं, तो Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो अगर इसका सॉलिबिलिटी S है तो S आ गया, और देखो ये 1:2 रेशियो हो गया ना, अगर PbCl2 का सॉलिबिलिटी S है तो देखो 1:1 है ना, दैट्स व्हाई इसका सॉलिबिलिटी S आया, और इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2S हो जाएगा, ओके। तो क्या लिखेंगे, Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया S, Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया 2S, उसका स्क्वायर क्या आ गया, ये दिस इज 4S³। तो ये KSP एंड सॉलिबिलिटी में रिलेशन आया फॉर PbCl, ठीक है। इसी टाइप से हम भी काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिलेशन निकाल सकते हैं। तो लिखो पहले आगे चलेंगे, ये सर ये बोला ना सॉलिबिलिटी का यूनिट क्या बताया मैंने, इट इज मोलरिटी, मेनली ये यूनिट यूज किया जाएगी, मोल पर लीटर या मोलरिटी, ठीक है, या फिर ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर हम आयनिक सॉलिबिलिटी देख रहे हैं, आयनिक सॉलिबिलिटी मतलब आयन की कॉन्सेंट्रेशन, किसी सॉल्ट से कितना आयन आ रहा है, ओके, किसी सॉल्ट से कितना आयन हमें मिल रहा है बेसिकली, या उस सॉल्ट वो जो सॉल्ट है वो कितना आयन में कन्वर्ट हुआ, सिंपल है ना, सॉल्ट कितना डिजॉल्व हुआ तो ऑब्वियसली वो कितना आयन में कन्वर्ट हुआ। आयनिक सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका अगर S मोलार डिजॉल्व हुआ है इन वन लीटर, यस S इज कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर देखो ना सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है ना, तो मोल पर लीटर इज कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी, ओके, तो सॉल्युबिलिटी यहां पर जो यूनिट है वो मोलरिटी। दिस इज सेकेंड पेज,
बचेता दिस इज फर्स्ट लाइव चले आ गए ओके सो ये हमने दो सॉल्ट के एग्जांपल लिए और ले लेते कुछ एग्जांपल तो जैसे हमारे पास सेव सी सर बट वी कंसीडर गैसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑनली क्या बात कर रहे हो यार देव ऐसा मतलब हमने कब बोला कि गैसेस हम आने की इक्विलिब्रियम में तो एक्वस की ही बात करते आए यार केमिकल इक्विलिब्रियम में हम गैस की बात कर रहे थे जनरली बट आयनिक में तो हम पूरा एक्वस ही ले रहे हैं ना यार आयनिक में हम आयन्स वगैरह की बात कर रहे हैं और एक्वस में हाँ सॉलिड की इग्नोर होगी तो इग्नोर की ना सॉलिड की खत्म यस कुणाल तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं तो HgCl2 जो है ये आयनाइज होता है Hg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव में तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही हो जाएगा अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो ये S बना ठीक है 1:1 रेशियो है ना तो मतलब इसका S मोल डिजॉल्व होगा तो इसका S मोल बन जाएगा 1 लीटर और इसका 2S बन जाएगा KSP क्या आएगा KSP Hg2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या हो गया ये दिस इज S इंटू 2S का स्क्वायर हम बोल सकते हैं 4S2 ओके अच्छा HgCl2 इस टाइप से डिजॉल्व होता है लेकिन इसका याद रखना नेक्स्ट वाला जो हम बता रहे हैं Hg2Cl2 अब देखो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि ये डिजॉल्व कुछ इस टाइप से होगा ठीक है हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे डिजॉल्व ऐसा ही लगेगा Hg2Cl2 विल गिव 2Hg पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव लेकिन Hg+1 आयन है ना ये जो Hg+1 आयन है ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है Hg का प्लस वन वाला जो है वो कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है देखो इट एग्जिस्ट Hg2 पॉजिटिव ओके कैसे बनता है आयन Hg2 पॉजिटिव ओके तो अगर इसका सॉलिबिलिटी S है तो 1:1 रेशियो की वजह से इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा S आ जाएगा और इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 2S आ जाएगा तो एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा जैसे लास्ट टाइम मतलब Hg2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर तो क्या आ गया है? ये आ गया S इंटू 2S का स्क्वायर दैट इज 4S2 क्लियर है तो इस टाइप से HgCl2 एंड Hg2Cl2 जो है यस सो Hg2Cl2 जो है वो Hg2 पॉजिटिव फॉर्म में डिसोसिएट होगा मतलब Hg+1 जो है दिस इज समथिंग बट Hg+1 बट Hg+1 कैसे है Hg2 पॉजिटिव फॉर्म
श्रावणी प्रवण सॉरी प्रणव जो है वो वेटिंग रूम में नहीं है। इज ऑलरेडी इन। वे सब कावे चले ठीक नाउ मान लो हमारे पास कोई एक सॉल्ट है ए एफ बी वाई। ओके हमारे पास कोई सॉल्ट है नाउ ये आयनाइज हुआ। अच्छा देखो हम जितने भी अभी रिएक्शन लिख रहे हैं उस रिवर्सिबल वाला सिंबल डाल रहे हैं ना। देखो इधर देख लो या फिर इधर देख लो या फिर इधर देख लो। क्यों? क्योंकि ये पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है, फुली सॉल्युबल नहीं है ना। इनके बीच में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। ओके तो ए एक्स बी वाई जो है ये हमारे पास आयनाइज हुआ और आयनाइज होके इसने वाटर में दिया ए वाई पॉजिटिव आयन एंड बी एक्स नेगेटिव आयन। ठीक है इस टाइप से आयनाइज हुआ एंड इसके हमारे पास ऑब्वियसली एक्स आयन आएंगे और इसके कितने आएंगे वाई आएंगे। ठीक है तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी एस है इस सॉल्ट का तो ये देखो वन इज टू एक्स है ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कितना बनेगा ये एक्स इंटू एस टाइम्स बनेगा ही नहीं बनेगा बताओ। ओके तो ये बन गया हमारे पास एक्स इंटू एस और ये क्या बन जाएगा वाई इंटू एस। तो वॉट इज की एस पी ए वाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसका क्या होगा बी एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब वाई। तो क्या आ गया ये इट इज के एस पी इज इक्वल टू ए वाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्स इंटू एस रेज टू एक्स एंड बी एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है वाई एस है रेज टू वाई। ठीक है तो KSP क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा x रेज टू x y रेज टू y एंड x रेज टू सॉरी f रेज टू x प्लस y। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से हम जनरल एक्सप्रेशन बता सकते हैं KSP एंड सॉलिबिलिटी के लिए। ओके सो प्रोसीजर हमारे पास यही रहेगा KSP एंड सॉलिबिलिटी में रिलेशन निकाल। यस आई दिस इज जनरल इक्वेशन मतलब ऑब्वियसली ये जितने भी हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उनमें ये इक्वेशन लगा ही सकते हैं ना। एक्स की कुछ वैल्यू होगी किसी के लिए वाई की कुछ वैल्यू होगी देन आ जाएगा। बट मैं मतलब ये जनरल एक्सप्रेशन याद रखने की एडवाइस नहीं दूंगा। प्रोसीजर यूज करो जैसे अभी तक हम प्रोसीजर यूज करते हैं वैसे ही यूज करो। यस देविका दिस इज जनरल इक्वेशन। बट जैसा मैं राहिल को भी बता रहा था कि जनरल इक्वेशन याद रखने की बजाय प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सभी में क्या कर रहे थे प्रोसीजर यूज कर रहे थे तो यहाँ पर भी हमें प्रोसीजर यूज करना चाहिए।
ठीक है चले आगे। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं, बुकलेट से ही ले लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 107 दें। वन वन फोर एंड 116 तीनों करो, 107, 114, 116।
हो गया सबका? ठीक सॉल्व कराएं। ठीक तो देखो 107 में सर 2 मिनट टॉक पे, ठीक है 2 मिनट और ले लें। चलो फिर आते हैं। हाँ तो 107 में क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन वाटर इज एक्स मोल पर लीटर, तो सॉल्युबिलिटी एस सी एक्स दिया हुआ है। तो देखो कैल्शियम फॉस्फेट क्या है भाई, विच इज सी ए थ्री सी ओ फोर होल ट्वाइस। ओके तो ये वाटर में आयनाइज हुआ तो कैसे हुआ, सी ए टू पॉजिटिव दिया और PO4 3 नेगेटिव। नाउ इसके ऑब्वियसली 3 आयन आएंगे, इसके 2 आयन, ठीक है। तो उसने बोला कि इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो x, तो सॉल्युबिलिटी क्या है x है ऑब्वियसली इट्स सॉलिड, एंड बाद में हम x में लेके जा रहे हैं। तो इसका सॉल्युबिलिटी x है तो ये कितना बनेगा 3x और ये कितना आएगा 2x आएगा। ओके तो KSP क्या होगा, KSP 3x raise to stoichiometric constant क्या 3 एंड 2x raise to stoichiometric constant क्या हो गया 2, तो कितना है this is 27x raise to 3 and 4x square, तो कितना आ गया, तो ये हो गया 108x raise to 5। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 107। के बाद क्वेश्चन नंबर 114। तो 114 में हमें जो सॉल्युबिलिटी दिया है सॉरी केएसपी दिया 114 में, सो केएसपी इज 10^-2। तो एक्स वाई जो है वो कैसे आयनाइज होगा, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है इस टाइप से आयनाइज हुआ। तो इसका सॉलिबिलिटी अगर एस है के एस पी क्या हो गया, के एस पी हो गया ऑब्वियसली एस स्क्वायर है ना, तो के एस पी आ गया एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर के एस पी आ गया तो एस क्या हो गया रूट ऑफ के एस पी, मतलब रूट ऑफ 10^-2 हम बोल सकते 0.1।
0.1 जो है वो कौन सी यूनिट में, 0.1 जो है वो मोल पर लीटर या मोलरिटी। ओके, इन मोल पर लीटर, ओके, या मोलरिटी। लेकिन हमें जो निकालना है वो किसमें निकालना है, हमें देखो आंसर दिया है ग्राम पर लीटर। ओके, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर क्या होगा, मैंने बताया था ना, मोल पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलार मास से। तो मोलार मास कितना दिया, 100 दिया ना। ओके, सो इट इज 10 ग्राम पर लीटर। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 116। देखो 114, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 116। तो 116 में हमारे पास AlOH full size दिया हुआ है एंड KSP दिया है, इसके साथ साथ pH भी हमें दिया हुआ है। तो देखो AlOH full size जो है वो हमारे पास आयनाइज हुआ कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी एस है तो ये एस आयनाइज होगा, ये भी होगा, लेकिन देखो क्या है, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, कैसे दिया देखो, क्योंकि अब OH नेगेटिव जरूर नहीं है लेकिन इसी रिएक्शन से आ रहा हो, क्योंकि एस पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो कहीं से भी आ सकता है ना, और कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है। उन्होंने ऑलरेडी हमें सॉल्यूशन का पीएच दिया होगा। ओके, तो पीएच कितना दिया है, पीएच जो है वो दिया है 4, तो पीएच कितना हो गया, POH हो गया 10, है ना, और POH 10 हो गया, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10^-10। ओके, तो इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ 10^-10। ओके, तो व्हाट इज KSP, KSP इज Al3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 3। तो हमें यहाँ पर KSP की वैल्यू क्या दी है, इट इज गिवन एज 10^-33। Al3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऐसी हो गया है सॉल्युबिलिटी, और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, इट इज गिवन एज 10^-10^3 हो गया। तो क्या आ जाएगा आंसर, S कितना आ गया, इट इज 10^-3। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 116। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हमें दिया हुआ। भैया OH नेगेटिव मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि तुम ऐसे बोलते हैं कि दिस इज एस दिस इज पी एस, बट ऑलरेडी हमें क्या है कि OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था, और ये
हमारे पास OH नेगेटिव जो है वो तो ऑब्वियसली वाटर से भी आ सकता है या किसी एसिड से भी आ सकता है, किसी बेस वगैरह से भी आ सकता है, समझ आया नहीं आया? ओके, सो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है जरूरी नहीं है जस्ट इस रिएक्शन से आ रहा हो, ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर ये OH नेगेटिव जस्ट इसी रिएक्शन से आता तो हम क्या लिखते, हम इसको लिखते एस एंड पी एस, है ना, ऐसे लिखते। बट OH नेगेटिव जो है वो कहाँ से आ सकता है, ऑब्वियसली अगर एसिड है तो वहां से भी OH नेगेटिव आएगा ही ना, क्योंकि एसिड है तो उससे एच पॉजिटिव भी आएगा और OH नेगेटिव भी आएगा ना। अगर ऑब्वियसली यहाँ पर पी एच क्या फोर है, पी एच फोर है इसका मतलब क्या, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, समझ आया? तो एसिडिक सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी निकालना है, एसिडिक सॉल्यूशन का पी एच क्या है, फोर। तो पी एच फोर है तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्टली पता है, उसे सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमें पता है, और Al3 पॉजिटिव का नहीं पता तो निकाल लेंगे, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। तो चलो क्वेश्चन गो नेक्स्ट। डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी of AgCl in first में लिखो water, second में 0.1 molar NaCl solution of it, third में 0.1 molar CaCl2 solution, फोर्थ में 0.3 molar AgNO3, ठीक है। तो AgCl का सॉल्युबिलिटी निकालना सभी में, KSP जो है AgCl का है 2×10⁻¹¹.
यस रोहन फर्स्ट इज राइट। राजदीप सभी एजीसीएल इज पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट। एजीसीएल जो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है। आएगा आंसर डिस्कस करें नहीं रोहन
चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वाटर, तो वाटर में तो जैसा अभी तक हम करते आए थे वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यस रोहन करेक्ट है, सेकंड का करेक्ट है। तो वाटर में जैसा अभी तक हम करते आए थे AgCl सॉलिड गैस, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ पर मान लो सॉलिबिलिटी S1 दे रहे, ठीक है, वाटर में सॉलिबिलिटी S1 ले लिया तो इसका S1 मिलेगा, इसका भी S1 मिलेगा। तो KSC = S1 × S। ओके, तो ऑब्वियसली S1 यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ KSC, मतलब रूट ऑफ 2 × 10⁻¹⁰। तो कितना है, दैट इज 1.414 × 10⁻¹⁵। ओके, तो ये वाटर में सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी इन वॉटर, इसका AgCl का 1.414 जो भी है, ठीक है, सो हमने 1.4 लिख दिया। सो दिस इज सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन वॉटर। नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl है बट में है, नेक्स्ट में सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl हम देख रहे हैं इन NaCl। अब देखो क्या है NaCl का सॉल्यूशन, तो मान लो अभी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इसका H2 मोल डिजोल्व, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन H2 मोल डिजोल्व का, तो H2 इसका बनेगा, H2 इसका बनेगा, एंड NaCl तो हमें पता फुली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो पूरी तरह आयनाइज होगा वो, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, तो ये भी 0.1 मिलेगा, ये भी 0.1 मिलेगा। अब देखो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन से हमें Cl नेगेटिव मिल रहा है S2 और सेकंड रिएक्शन से मिल रहा है 0.1, तो टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे हम, S2 प्लस 0.1 लेंगे ना, टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लेंगे, S2 प्लस 0.1। ओके, फर्स्ट रिएक्शन से S2 आ रहा है, सेकंड रिएक्शन से 0.1 आ रहा है। यस रिया, दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट किसका, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर Cl नेगेटिव कॉमन आयन इफेक्ट आया, उसकी वजह से फर्स्ट रिएक्शन जो है बैकवर्ड गई है, ठीक है, तो बैकवर्ड गई है। तो अभी जो हमें Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है ना फर्स्ट रिएक्शन से, ये पहले वाली जो फर्स्ट रिएक्शन था उसके कंपेरिजन में कम आएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ NaCl का Cl नेगेटिव फर्स्ट रिएक्शन क्या चली गई है, बैकवर्ड चली गई। तो ऑब्वियसली दिस H2 का वैल्यू विल बी लेस देन S1 का वैल्यू, समझ आई है, ठीक है। तो अच्छा अभी देखते हैं हम यहाँ पर, तो KSC क्या हो जाएगा, KSC Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, है ना, वॉट इज Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, इट इज S2, Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इट इज S2 प्लस 0.1। ओके, अब देखो जैसा मैं अभी बता रहा था फिर से वही चीज बताता हूँ कि यार जब हमारे पास वाटर में हम सॉलिबिलिटी देख रहे थे तो S1 सॉलिबिलिटी था और वैल्यू क्या आया फिर S1 का, इतना, ठीक है, दिस इज S1 का वैल्यू। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl हमारे पास Cl नेगेटिव कुछ है, ठीक है, NaCl की वजह से क्या आ रहा है, Cl नेगेटिव आ रहा है, और वो NaCl का जो Cl नेगेटिव है उसकी वजह से फर्स्ट रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी ना, दिस इज कॉमन एन इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या गई होगी, बैकवर्ड गई होगी फर्स्ट क्वेश्चन के कंपेरिजन, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के कंपेरिजन में फर्स्ट रिएक्शन जो है, मतलब वाली जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड गई है, तो ये S2 का जो वैल्यू है ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन S1 का वैल्यू, बिकॉज पहले वाले क्वेश्चन के कंपेरिजन में रिएक्शन क्या चली गई है, बैकवर्ड चली गई है, तो क्यों गई है बैकवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस Cl नेगेटिव आया। ओके, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर आया कॉमन इफेक्ट ऑफ Cl। ओके, तो ये जो S2 की वैल्यू है S1 से भी कम आएगी, और S1 कितना था यार, S1 इतना था ना, तो ये S1 की वैल्यू है, अभी हम बोल रहे हैं कि S2 की वैल्यू तो इससे भी कम है, तो अगर S2 की वैल्यू इससे भी कम है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते, लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यार S2 जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। ओके, तो S2 प्लस 0.1 को हम क्या ले सकते हैं, S2 प्लस 0.1 को ऑब्वियसली 0.1 ले सकते हैं, वहां पर S2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो KSP आएगा इसका, KSP हो जाएगा S2 × 0.1, तो यहां से
एस टू क्या आ जाएगा, इट इज के एस पी बाय 0.1। हम बोल सकते हैं एस टू इज इक्वल टू के एस पी, कितना है 2 × 10⁻¹⁰ है, डिवाइड बाय 0.1 दैट इज 2 × 10⁻¹⁹। ठीक है, तो हमारे पास अभी सॉल्युबिलिटी जो है इतना आया है। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन एक्वस NaCl सॉल्यूशन। नाउ सेम टाइप से ऑब्वियसली थर्ड एंड फोर्थ में भी हो जाएगा। तो थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में हमारे पास है CaCl है ना, तो थर्ड में हमारे पास फिर से Cl नेगेटिव का कॉमन एस्पेक्ट आएगा। AgCl का अभी हम सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं एस थ्री, ओके, तो इट विल गिव Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस एंड CaCl2 जो है वो आयनाइज हुआ Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऑब्वियसली जो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो तुम्हें कुछ लोगों को ये भी हो रहा होगा कि सर हमें कैसा पता चलेगा जो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है या नहीं। यार अगर किसी का KSP नहीं दिया है ना, अगर सॉल्ट का KSP नहीं दिया है तो हम उसको फुली सॉल्युबल सॉल्ट ले लेंगे। ठीक है, अगर किसी का KSP नहीं है मतलब फुली सॉल्युबल सॉल्ट। सर कैन यू एक्सप्लेन एस टू 0.1 अगेन वन लास्ट टाइम। देखो मिताली, हमारे पास ये जो था फर्स्ट रिएक्शन से जो सॉल्युबिलिटी आ रहा था या Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था वो हमने S1 लिया था। ठीक है, और S1 की वैल्यू ये आई। नाउ जब हम NaCl सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं तो NaCl सॉल्यूशन में हमारे पास NaCl इज फुली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसकी वजह से हमारे पास Cl नेगेटिव का इतना कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अभी ली कैटलेयर प्रिंसिपल देखो, ली कैटलेयर प्रिंसिपल या कॉमन एंसर। ठीक है, तो ली कैटलेयर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो हमने यहाँ पर एक तरह से क्या Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया ना, Cl नेगेटिव लेके आए, तो Cl नेगेटिव लेके आए तो ये वाली रिएक्शन जो है ये क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। ओके, सो मतलब वाटर के कंपेरिजन में, मतलब वाटर फर्स्ट रिएक्शन में क्या था, वाटर था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो उसके कंपेरिजन में अभी ये रिएक्शन क्या गई है, बैकवर्ड गई है। तो जितना वैल्यू यहाँ पर आ रहा था Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव का उतना वैल्यू अभी नहीं आएगा इस वाले में। Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है S1 से क्या आएगा, कम आएगा। समझ आया? तो ये जो S2 का वैल्यू है ये S1 से कम रहेगा। ओके, तो S1 जो है वो छोटा था, S2 तो और भी छोटा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली S2 को 0.1 के कंपेरिजन में हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर Cl नेगेटिव आ गया फिर से, तो CaCl2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार था तो ये 0.1 मिलेगा और ये 0.2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा AgCl से अभी हम बोल रहे हैं कि मान लो S3 है AgCl का कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉलिबिलिटी, तो Ag पॉजिटिव मिला S3 और Cl नेगेटिव भी मिला S3, तो यहाँ पर भी क्या है, ऑब्वियसली Cl नेगेटिव आया है मतलब कॉमन इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव हो गया, तो रिएक्शन यहाँ पर भी बैकवर्ड जाएगी, तो ऑब्वियसली टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन विल बी S3 प्लस 0.2। ओके, अनन्या देखो जल्दी, तो तो हमारे पास अभी क्या हो जाएगा, के एस टी, तो के एस टी इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब S3 इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब S3 प्लस 0.2। ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हो गया कि S3 जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 0.2। ठीक है, तो 0.2 से बहुत छोटा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, S3 प्लस 0.2 को क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इसको 0.2 लेते हैं। ठीक है, तो KSP इज इक्वल टू S3 इंटू 0.2, S3 क्या आ गया
इट इज के एस सी डिवाइड बाई पॉइंट टू, के एस सी कितना, इट इज टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टेन डिवाइड बाई पॉइंट टू, तो ये कितना आ गया, दिस इज टेन रेज टू पावर माइनस नाइन होगा। क्लियर है? देव सेम कॉन्सेप्ट यार जो लास्ट वाला था, यहाँ पर भी सीएल नेगेटिव का कॉमन इफेक्ट आया ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड गई है, तो बैकवर्ड गई है तो जो वाटर के केस में जो हमारे पास वैल्यू मिल रहा था उससे कम वैल्यू आएगा। वाटर के केस में कितना वैल्यू आ रहा था, इतना आ रहा था, अभी भी उससे भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि सीएल नेगेटिव आ गया है, तो ऑब्वियसली वैल्यू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 से छोटा आएगा। अगर तुम जस्ट अगर 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 ही आता ना, तो दैट 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इज लेस देन 0.2 ना, ठीक है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ इससे भी कम आएगा, तो अभी इतने लग कर ही सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज हुई है ना, जो लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम NaCl से Cl आ रहा था, यहाँ पर CaCl2 से Cl आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। तो AgNO3 में क्या है, AgNO3 में अगर हम देखेंगे, तो 0.3 मोलार है AgNO3। तो AgCl gives Ag positive plus Cl negative। तो अभी मान लो सॉलिबिलिटी जो है वो S होता है, ठीक है, तो इसका S4 आएगा, इसका भी S4 आएगा, एंड AgNO3 जो है ये भी फुली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये हमें देगा Ag positive plus NO3 negative। अभी AgNO3 कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया, 0.3 ना, Ag पॉजिटिव आएगा इसे 0.3 और NO3 आएगा 0.3, ठीक है। तो यहाँ पर किसका कॉमन आयन इफेक्ट आया यार, यहाँ पर किसका कॉमन आयन इफेक्ट है, Ag पॉजिटिव का। ओके, यहाँ पर Ag पॉजिटिव जो है उसका कॉमन आयन इफेक्ट है, और इसकी सेम चीज होगी यहाँ पर भी, ड्यू टू Ag पॉजिटिव ऑफ AgNO3 फर्स्ट रिएक्शन क्या गई है, बैकवर्ड गई है, तो बैकवर्ड गई है तो ऑब्वियसली जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा बहुत कम आएगा फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ Ag पॉजिटिव हमारे पास पहली जो रिएक्शन है बहुत कम आएगा। ओके, तो टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, सेकेंड रिएक्शन से 0.3, फर्स्ट रिएक्शन से S4, तो टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया S4 प्लस 0.3। ओके, तो नाउ व्हाट इज KSP, तो KSP इज इक्वल टू S4 प्लस 0.3 इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन S4। हमें पता है कि S4 जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 0.3, तो S4 प्लस 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, तो KSP इज इक्वल टू 0.3 इंटू S4, तो S4 क्या आ जाएगा, इट इज के एस पी अपॉन 0.3, हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹⁰ डिवाइड बाई 0.3, तो कितना आ गया, ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻¹⁰। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा सॉलिड। क्लियर है सबको, ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर सॉलिबिलिटी निकाल। ओके, तो देखो अगर हमारे पास कोई कॉमन आयन इफेक्ट
आ रहा है, या मैं बोल सकता हूँ कोई हमारे पास कोई कॉमन आयन आ रहा है किसी सॉल्ट का, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर ऐसा होता कि ये जो दो आयन बने ना, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये फर्दर किसी से रिएक्ट कर जाते तो AgCl को ऐसे किसी सॉल्यूशन में ले रहे होते जिससे कि क्या Ag पॉजिटिव या Cl नेगेटिव किसी से रिएक्ट कर जाते। तो ऑब्वियसली Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव किसी से रिएक्ट कर जाते तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता, कम हो जाता ना। तो याद है हमने लिचैटलर प्रिंसिपल में क्या बताया था कि ऑन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन क्या जाती थी, ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तीनों में सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ऑन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में वही हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है और सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है, कम आ रही है। लेकिन अगर उल्टा होता, हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन होता जिसमें ये आयन फर्दर रिएक्ट कर जाते, ठीक है, Ag पॉजिटिव या Cl नेगेटिव में से कोई एक आयन जो है उसका किसी से रिएक्शन हो जाता, तो अगर किसी से उसका रिएक्शन हो जाता तो ऑब्वियसली मान लो Ag पॉजिटिव का किसी से रिएक्शन हो जाता, तो Ag पॉजिटिव क्या हो जाता सॉल्यूशन में, कम हो जाता, है ना। तो ऑन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है ना। ऑन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो मतलब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता। ओके, तो अगर कोई कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है या कोई कॉमन आयन आ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आयन फर्दर किसी से रिएक्ट कर गए, आयन फर्दर किसी से रिएक्ट कर गए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो दैट्स इट, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। रोहन सेम रीजन है भाई, डिफरेंट रीजन है ही नहीं, यहाँ पर फोर्थ में भी सेम रीजन है ना। S4.3 से छोटा क्यों है, क्योंकि वाटर में जो सॉल्युबिलिटी आ रही है उससे कम सॉल्युबिलिटी होगी इधर, वाटर में जो सॉल्युबिलिटी था उससे कम होगी। क्यों, क्योंकि वाटर में हमारे पास कोई कॉमन आयन नहीं था, जैसे रिएक्शन हो रही थी वैसे ही हो रही थी। यहाँ पर Ag पॉजिटिव आ गया, ड्यू टू Ag पॉजिटिव फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड चली गई है, तो जो S4 है इसकी वैल्यू जो है S1 से भी कम है, और S1 ही कितना था, 10^-5 वाला था, तो S1 ही 10^-5 वाला था, तो यहाँ पर S4 तो 10^-5 से भी कम है। ओके, ऑब्वियसली 0.3 से तो बहुत कम रहेगा वो। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों में सेम ही रीजन है नेगलेक्ट करने का सॉल्युबिलिटी। ओके, सो होमवर्क नोट करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, 105, वन जीरो एट, देन 109 है, 110 है, 111 भी है, 2 भी है, 3 भी आ जाएगा, 11 सी तक है, देन 117, 118, 119, तो 117 to 119, then 123, 122, 123, 126,
127 यस 28 भी कर ही सकते हो। देन 130, 132, 133। ओके सो ये आज का होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके सो लेक्चर आज यहीं पे एंड करेंगे। बाय, टेक केयर।